दिल्ली भारत की राजधानी है और सब जानते हैं ये राजधानी के जो पुलिस कानून और व्यवस्था है, सुरक्षा, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आती है और उन्हें बचाने के लिए, हर बार उन्हें बचाने के लिए इस तरह के अपराधों को वो इस तरह के सांप्रदायिक रंग देना शुरू करते हैं। ये हर बार हुआ है, इस बार भी हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अपराध को मात्र एक अपराध की नजर से देखती है। अगर वो उसको सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसे ब्रजभूषण शरण, जो भाजपा के सांसद एक आरोपी है गंभीर आरोपों के तहत, उनसे जोड़कर देख रहे हैं कि देश में, राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ की जो पुलिस और कानून व्यवस्था है, कानून का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लचर है। और दूसरी तरफ स्वाभाविक है, अपराधियों को बचाने का काम पहली बार नहीं कर रही है भाजपा की सरकार। उन्नाव के अपने विधायक को लगातार, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं चला गया, उसका दोष साबित होकर उसे उम्र कैद नहीं हुई, तब तक उसके साथ पूरी भाजपा खड़ी रही। उसके बाद बहुत से ऐसे अपराधी है जो यौन उत्पीड़न में, हत्याओं में दोषी करार दिए गए, जेलों में हैं, हरियाणा से हैं, पैरोल पर वापस लाया जाता है, चुनाव का प्रचार प्रसार कराया जाता है। सिम ब्रजभूषण को भी इन अपराधियों ने अपना आदर्श मान लिया है। उन्हें लगता है कि जब इसका कुछ नहीं हो रहा तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, हमें भी बचाने का काम, उसे बचाने का काम भाजपा कर रही है और इन अपराधियों को बचाने का काम इनके आदर्श, जो आज ब्रजभूषण इन अपराधियों के, वो कर रही है। साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई वो दृश्य है कल के, और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा, दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारे गर्व, उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैं एक बार सब भारतवासियों को, सबको कहूंगी, आंख बंद करिए और वो नजारा दोबारा से याद करिए जब साक्षी मलिक पहलवानी के अखाड़े में पटकनियां दे रही थी और यहां पर गर्व सीना जो है वो चौड़ा हो रहा था और तालियां बजा रहे थे, देश का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। और जब साक्षी मलिक ने वो पदक जीता, याद करिए, वो ध्वज ऊपर जा रहा है और साक्षी मलिक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई वो दृश्य है कल के, और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा, दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारा गर्व, उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था, और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था, वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन, और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पर बैठे थे, उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार, लोकतांत्रिक तरीकों से उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हर टीवी चैनल में एक भयंकर, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं कि शाहबाद डेयरी में मात्र 16 साल की एक बेटी को, अलग अलग खबरें हैं, 32 चाकुओं से गोदा गया, जब दम नहीं तोड़ा तो बड़ा पत्थर उठाकर उसका सर कुचला गया। सवाल ये होता है कि राजधानी दिल्ली है ये, इन अपराधियों की हिम्मत कहां से हो रही है, कौन हिम्मत दे रहा है इन्हें राजधानी दिल्ली में कि आप दिन दहाड़े सरेआम जघन्य अपराध करिए और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हिम्मत कहां से आ रही है, कौन इनके आदर्श हैं अपराधियों के। तो साफ आता है कि भाजपा के सांसद जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, पोक्सो कानून, नाबालिग बच्चियों के जो खिलाफ कानून में जो उनके अपराध हो रहे हैं उस पे कानून, पोक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज है, जब उस पर कार्रवाई नहीं होती, पूरा तंत्र, सरकार, पुलिस,
उस एक अपराधी के साथ जो भाजपा का सांसद है संरक्षण के लिए खड़ी होती है तो स्वाभाविक है राजधानी दिल्ली और देश में ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पूरी की पूरी सरकार बेटी नहीं बचाएगी, बेटियों के साथ इस तरह से जघन्य अपराध करने वालों को बचाती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। मैं आपसे पूछती हूं, देशवासियों से एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूं, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक बड़ा कारण है कि कोई पिता कोई भाई अपनी नाबालिग बेटियों के साथ भी हो रहे अपराधों के लिए न्याय के लिए आगे आने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता? वो देखता है कि न्याय तो नहीं मिलेगा, बदनामी और होगी। जब साक्षी मलिक विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का इस स्तर पर हाल किया जाएगा, इस तरह से बदनाम किया जाएगा और न्याय नहीं होगा, ये वो महिलाएं हैं हमारी जिनके प्रधानमंत्री जी निजी और व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, जिनके ट्विटर पर फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तक दुख की बात है 35 दिन से प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। और मैं पूछती हूं, देश इत्तेफाक रखता है कि ब्रजभूषण जो आरोपी हैं यौन उत्पीड़न के गंभीर पोक्सो के कानून के तहत गंभीर आरोपों में, वो कहते हैं कि ये पदक जो साक्षी मलिक ने जीता, जो तिरंगा ऊपर जा रहा था और गले में वो पदक था, उसकी कीमत 15 रुपए है। मैं देश से पूछना चाहती हूं कि आप इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं? आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि ब्रजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं आरोपी, उनको कहना कि पोक्सो का कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कानून के तहत इनपे मामले दर्ज हैं और आज जो 16 साल की बेटी का भी, और ना जाने कितनी नाबालिग बेटियां इसी कानून के तहत न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं और आप कहते हैं इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में जो पोक्सो का कानून लाया गया, क्या आप उसको यूं खत्म होने देंगे? तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी बहादुर बेटियां लगातार डटी हुई हैं, सच्चाई और ईमानदारी से प्रधानमंत्री से देश के गृह मंत्री से न्याय मांग रहे हैं कि आप न्याय करिए। और ये दिल्ली राजधानी के दो दृश्य हैं, कल का एक सुबह का है, दिन भर का, जहां आपने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन को कुचला, किस स्तर पर कुचला, किस तरह का व्यवहार हुआ साक्षी मलिक के साथ, और शाम होते होते 16 साल की बेटी का, इसी यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है ब्रजभूषण का गिरफ्तार होना तुरंत और उस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर ये कार्रवाई होती है तो देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, उनके उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती, जैसे अभी तक नहीं हुई, तो ये स्वाभाविक है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और इन अपराधों को जो दिल्ली में हुआ है आप रोक नहीं सकते हैं कभी भी। धन्यवाद। देर किया है कि चूंकि बीजेपी सांसद जिन पे आरोप है बिल्कुल उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, इस वजह से अपराधियों का हौसला बुलंद है और शाबा डेरी जैसी घटना आई है, लेकिन शाबा डेरी की घटना पर कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता जो है वो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और वो लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, देश दिल्ली भारत की राजधानी है और सब जानते हैं ये राजधानी के जो पुलिस कानून और व्यवस्था है सुरक्षा, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आती है, और उन्हें बचाने के लिए, हर बार उन्हें बचाने के लिए इस तरह के अपराधों को वो इस तरह के सांप्रदायिक रंग देना शुरू करते हैं। ये हर बार हुआ है, इस बार भी हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अपराध को मात्र एक अपराध की नजर से देखती है। अगर वो उसको सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसे ब्रजभूषण शरण जो भाजपा के सांसद एक आरोपी है गंभीर आरोपों के तहत, उनसे जोड़कर देख रहे हैं कि देश में राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि यहां की जो पुलिस और कानून व्यवस्था है, कानून का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लचर है, और दूसरी तरफ स्वाभाविक है अपराधियों को बचाने का काम पहली बार नहीं कर रही है भाजपा की सरकार। उन्नाव के अपने विधायक को लगातार जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं चला गया, उसका दोष साबित होकर उसे उम्र कैद नहीं हुई, तब तक उसके साथ पूरी भाजपा खड़ी रही। उसके बाद बहुत से ऐसे हैं जो यौन उत्पीड़न में हत्याओं में दोषी करार दिए गए जेलों में हैं, हरियाणा से हैं, पैरोल पर वापस लाया जाता है, चुनाव का प्रचार प्रसार कराया जाता है। सिम ब्रजभूषण को भी इन अपराधियों ने अपना आदर्श मान लिया है, उन्हें लगता है कि जब इसका कुछ नहीं हो रहा तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, हमें भी बचाने का काम, उसे बचाने का काम भाजपा कर रही है और इन अपराधियों को बचाने का काम इनके आदर्श जो आज ब्रजभूषण है इन अपराधियों के वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है कि अब इस
देखिए, मेरा मानना है कि बहुत ही भयंकर घटना हुई है, पूरी दिल्ली देश दहल रहा है वो तस्वीरों को देखकर। इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, दोनों मिलकर जो संभव प्रयास हो सकता है वो आपको करना है। आपको अपराधियों में डर पैदा करना है, आपको कानून को इतना सख्त बनाना है कि तुरंत जो है वो कार्रवाइयां हो, डर हो। लेकिन आज तो देखने में आ रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर भी अपराधी जो है वो वहां होने के बावजूद भी डर नहीं है। वहां जो खूनी खेल लगातार हो रहे हैं अंदर, तो बाहर वाले में तो डर नहीं, अंदर जाकर भी वो ही है। तो मैं यही कहूंगी, हम इसकी कड़ी, ये जो बयान आ रहा है कि भाजपा आम आदमी को, आम आदमी भाजपा को कर रही है, शीला जी के समय भी निर्भया में इन्होंने कहा था, लेकिन 10 साल से केंद्र और दिल्ली की सत्ता इन्हीं दोनों के पास है और उम्मीद अब इन्हीं से की जा रही है। लेकिन दुख होता है, चिंता होती है, दिल्ली से हूं, दिल्ली की बेटी हूं, कि न्याय की उम्मीद लग नहीं रही, हालात बदलेंगे ऐसी उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि दोनों आपस में समाधान देने की बजाय एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं और इस तरीके से राजनीतिक अपनी जो है वो खेल रहे हैं, जो बिल्कुल। और ये घटना सच में मैं कहूंगी, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है घटनाएं ना हो ऐसी भविष्य में, उसको लेकर दोनों सरकारों को गंभीरता से सोचना विचार करना होगा और जो उचित कदम उठाने की सख्त जरूरत है अभी भी जहां जो कमियां हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए।